हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कल की वीडियो था क्वेश्चन नंबर 12 तक समाप्त किया था, ठीक है। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, लेकिन उससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन जो कि गलत पढ़ लिया था मैंने। क्वेश्चन क्या था कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज होगा, ठीक है ना। 8% छमाही दर से ब्याज होगा, यानी कि रेट उसने ऑलरेडी छमाही दे रखी है, रेट उसने ऑलरेडी छमाही दे रखी है, ठीक है। क्या ये रखी है? रेट उसने छमाही दे रखी है, जबकि रेट को मैंने आधा कर दिया था। मैंने समझा था कि रेट पर एनम दे रखी है, लेकिन रेट उसने छमाही दे रखी है और 6 महीने का ही ब्याज पूछ रहा है वो, ठीक है। तो रेट कितनी होगी? रेट होगी 8%, और जो 6 महीने जो हैं एज अ 1 ईयर की तरह ट्रीट होंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 8%, और 500 का 8% होता है कितना? 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 40। क्यों? देखो, रेट दे रखा है उसने कितना? 8%, ठीक है ना, 8% पर हाफ ईयरली। उसने छमाही दर दे रखी थी, ठीक है, और टाइम दे रखा था 6 महीने, ठीक है, और प्रिंसिपल दे रखा था उसने कितना? 500 रुपये। और उसने पूछा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जब रेट हाफ अर्ली है तो उसको हाफ करने का मतलब नहीं बनता जब 6 महीने दे रखे हैं तो, ठीक है। तो 6 महीने ट्रीट होंगे एज अ 1 ईयर की तरह, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, होता है R×T%। तो सिंपल आर कितना है हमारे पास? 8, और टी कितना है? 6 महीने लिए नहीं लिए जाएंगे, क्या लिया जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 6 मंथ की ही तो एक हाफ अर्ली होती है, और रेट ऑलरेडी हाफ अर्ली दे रखे हैं N×1। तो कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 8%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? 8%। तो 500 का 8% कितना होता है? 500 का 8% होता है कितना? 40 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 40। मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, ठीक है, तो सही कर लेना इसको, ठीक है ना, वो दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या क्या कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 हो जाएगा, मिश्र धन 2025 हो जाएगा। तो देखो, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन पर, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। 13 है क्या कि एक मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी रेट कितने दे रखा है उसने? रेट दे रखी है उसने 5%, टाइम दे रखा है उसने 3 मंथ, कितने दे रखा है? 3 मंथ, ठीक है, टाइम दे रखा है 3 मंथ, और अमाउंट कितना दे रखा है उसने? अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल नहीं, मिश्र धन, कितना दे रखा है? 20-25, और उसने प्रिंसिपल पूछा है, और ब्याज लिया जाएगा तिमाही। ब्याज जो लेंगे वो तिमाही लेंगे, यानी पर ईयर ब्याज कलेक्ट ना करके हर 3 महीने में ब्याज को कलेक्ट करेंगे, यानी हर 3 महीने ब्याज को काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसने पूछा है कि 5% की दर से 3 महीने में कोई प्रिंसिपल कितना हो जाता है? 2025 हो जाता है, तो वो था कितना, ठीक है। तो देखो, ये जो 3 मंथ है ना, ये कैसे काउंट होंगे? एज अ 1 ईयर काउंट होंगे, क्यों? ठीक है ना, क्योंकि ब्याज हम तिमाही ले रहे हैं, जब वार्षिक लेते हैं तो 1 साल पूरा काउंट होता है, ठीक है ना। जब तिमाही लेंगे तो 3 महीने को हम 1 साल मान के चलेंगे, ठीक है ना, एक तरह एक साल की तरह ट्रीट करेगा वो, ठीक है। और रेट हमारी दे रखी है पर एनम, ठीक है, रेट की दे रखी है पर एनम, तो रेट के उतने ही टुकड़े होंगे जितने टुकड़े हमने टाइम पे किए होंगे, ठीक है ना। तो टाइम को हमने 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीनों को हमने 3 महीने पे ले आए, इसका मतलब 4 टुकड़े कर दिए हमने, किसके? टाइम के। जब टाइम के 4 टुकड़े कर दिए तो रेट के भी तो 4 टुकड़े होंगे, रेट जो होगी 5/4% पर तिमाही होगी, क्या होगी? पर तिमाही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने 1 साल को कन्वर्ट कर दिया 3-3 महीने के 4 टुकड़ों में। तो रेट हमारी अगर तिमाही दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट क्या दे रखी है उसने? पर ईयर। जब रेट पर ईयर दे रखी है
तो रेट को भी उतने ही टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा जितने टुकड़ों में हमने टाइम को विभाजित करा है। टाइम को हमने चार टुकड़ों में विभाजित किया, तीन तीन महीने के चार टुकड़े, तो रेट को भी हमने चार टुकड़ों में विभाजित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, क्या होता है आर इंटू टी प्रतिशत, यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है, ठीक है। तो आर कितना है हमारे पास, पाँच बटे चार, कितना है पाँच बटे चार, कितना है पाँच बटे चार। और टाइम कितना है, टाइम तीन महीने नहीं लेना, टाइम कितना लेना है एक, क्यों, क्योंकि उसने तीन महीने का पूछा और तीन महीने की रेट हमें पता है कितनी, पाँच बटे चार इंटू एक, ठीक है ना, प्रतिशत। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया पाँच बटे चार प्रतिशत, यानी जो रेट है वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ठीक है ना, फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज को हटा के हम बटे में 16 कर देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, पाँच बटे 400, यानी 400 रुपये पर पाँच का ब्याज, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है किस पर लिया जाता है, हमेशा प्रिंसिपल पर लिया जाता है। तो 400 रुपये क्या हमारे पास, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है 400, इंटरेस्ट कितना है पाँच का, तो अमाउंट कितना हो गया 405, वही 400 प्रिंसिपल है और ब्याज लेंगे कितना, पाँच रुपये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 405, यानी अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, यानी कि अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, जो अमाउंट हो गया वो हो गया 405, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट हमारा 405 है, प्रिंसिपल हमारा 4 है, कोई दिक्कत, तो अमाउंट कितना दे रखा है हमें 2025, यानी 405 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी दे रखी है 2025, और हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आपका 400, तो 400 की वैल्यू निकालनी है, तो 2025 बटे 405 400, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कटेगा ये, पाँच बार कट जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 520, यानी कि 2000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल था कितना 2000 रुपये। हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, 5/4% एक तिमाही, मतलब पूरा यही रेट यही ब्याज मिलेगा हमें, तो 400 पे 5 का ब्याज, 405 की वैल्यू ये दे रखी थी, 400 की वैल्यू पूछी थी, बहुत जल्दी आंसर आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज दर, 1 रुपये में 8 पैसा इसका मतलब 8%, 1 रुपये में 8 पैसा इसका मतलब कितना हो गया 8%, ठीक है ना, 1 रुपये में 8 पैसे का ब्याज लेना, इसका मतलब क्या हो गया 8% दे रखा रेट, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिए, तो राम ने कितने रुपये का ऋण लिया था। तो देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, उसने रेट दे रखी कितने परसेंट, 8%, क्यों, उसने खुद बोला है कि 1 रुपये में 8 पैसे का ब्याज, 1 रुपये में 8 पैसे का ब्याज का मतलब हो गया 8%, ठीक है ना, क्योंकि पैसे में कितने होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे, और 100 पे कितना ब्याज 8, तो कितना परसेंट हो गया 8%, ठीक है। तो रेट कितने हुए 8%, और टाइम कितना दे रखा उसने, टाइम दे रखा उसने 3 वर्ष, ठीक है। तो अगर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, और क्या दे रखा है उसने, और दे रखा है उसने अमाउंट, और दे रखा है उसने अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है 1178 रुपये, यही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट बराबर, मैं कल भी बता चुका हूँ कि अमाउंट जो होता है हमारे पास, जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, ठीक है। तो जब आर और टी दे रखा हो तो हम प्रिंसिपल को कितना मान के चलते हैं, 100%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है आर इंटू टी प्रतिशत, ठीक है ना, 8 + 3 = 24, यानी 24%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 100% प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद बनता है हमारे पास अमाउंट, तो 100% ये 24% ये कितना हो गया 124%, कितना हो गया 124%, और यही जो 124% है वो दे रखा है 1178, ठीक है। और हमसे पूछा प्रिंसिपल, यानी कि 100%,
चार से काटो, चार से कटेगा 25 बार, ठीक है, और चार से कटेगा 3 और 31 बार, ठीक है। 31 से काटो, 31 दिया 93, 31 दिया 93, कितना बचेगा यहाँ से, 17 और 6, इधर से कर लेते हैं, देखो 17 7 कितना हो गया, देखो 31 दिया 93, यहाँ से कितना बचेगा 14, कितना हो गया 8, ठीक है, 14 का 24 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 बार जाएगा, 8 ही 8 8 8 24, यानी कितनी बार कटेगा ये कटेगा कहाँ से, ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 38 बार, ठीक है। तो अब गुणा कर दो, कितना हो गया 38 गुणा 25, कितना हो गया 25 8 200, वहाँ से लगे 20, 25 75 और 20 95, यानी प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल 900 था, 8% की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा, 8% की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा, 1178 हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 14, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्या है कि 2665 रुपये की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखो कराते हैं। उसने कहा है कि दोनों बार सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर है, ठीक है। देखो उसने 6500 को दो भागों में ब्रेक कर दिया, उसने क्या करा, 6500 थोड़ी ना था, ये था 2000, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना 15, उसने 2665 को दो भागों में विभाजित कर दिया। हमें नहीं पता कैसे कैसे विभाजित किया, मान लेते हैं ये P1 भाग है, मान लेते हैं ये P2 भाग है, दो अलग अलग भागों में उसको विभाजित कर दिया, ठीक है। तो देखो पहले बार में उसने क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में 3% 8 वर्ष, यानी रेट कितना है हमारे पास 3% और टाइम है हमारे पास 8 वर्ष, ठीक है। दूसरी कंडीशन में रेट क्या है हमारे पास 5% और टाइम हमारे पास 3 वर्ष, 3 वर्ष। उसने कहा है दोनों कंडीशन में इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो पहली कंडीशन से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिलेगा, 8 दिया 24%, ठीक है भाई। ब्याज क्या होता है, ठीक है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो R×T% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 दिया 24%, तो ब्याज कितना मिलेगा 24%, किसका, पी का, पी वन का, क्यों, क्योंकि हमने इसको दो भागों में ब्रेक किया है ना, तो उसको पी वन माना, इसको पी टू माना। तो पहली कंडीशन में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पी वन का 24% मिलेगा, और दूसरी कंडीशन में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पी टू का 15% मिलेगा। भाई मैंने बता चुका हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है R×T% होता है, तो 5 दिया 15, यानी P2 का 15%। उसने कहा है कि ये भी सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, और इन सिंपल इंटरेस्ट के आपस में बराबर है, बराबर है। दो काटो, तो 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3×15% से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है ना, 3×15 और 3×8 24, यानी P1×8 बराबर है P2×5 के। तो P1 रेशियो P2 कितना हो गया, 5:8, यानी कि ठीक है, पहले भाग 5 है और दूसरा भाग कितना है 8, पहला भाग 5 दूसरा भाग 8, दोनों कुल मिलाकर कितने हो गए 8 और 5 13, 8 और 5 13, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी है 2665, कितनी है 2665, कोई दिक्कत नहीं है, 13 की वैल्यू कितनी है 2665, ठीक है। उसने पूछा दूसरा भाग, दूसरा भाग मतलब P2, तो P2 कितना है 8, तो उसने 8 की वैल्यू पूछी यहाँ से, तो 2665/13×8, 13 दूनी 26 और 13×5 65, 205 बार काटेगा, ठीक है। गुणा करो, 8×5 40 और 8 दूनी 16, यानी कि दूसरा भाग जो है वो कितना है 1640 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या करते, इसको P1 P2 में ब्रेक कर देते, तो P1 का 24%, P2 का 15% आपस में बराबर, रेशियो बन जाता है इसका 5:8, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 12,000 रुपये कर्ज लेता है, 12 यानी 1200 रुपये कर्ज लेता है,
वह पाता है कि 1236 रुपये बैंक को लौटाना है, तो बैंक की ब्याज दर क्या है? यानी कि उसने 1200 रुपये तो उधार लिए और 3 महीने बाद बैंक को चुकाए कितने? 1236। कितने चुकाए? 1236। तो उसने पूछा है कि ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो तो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर है 16। प्रिंसिपल दे रखा है उसने कितना? 1200। और अमाउंट दे रखा है उसने 1236। प्रिंसिपल दे रखा है उसने 1200, अमाउंट दे रखा है 1236, और टाइम दे रखा है उसने 3 मंथ। 3 मंथ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इंटरेस्ट कितने रुपए मिला उसे? इंटरेस्ट कितना मिला? 36 रुपए में। इंटरेस्ट कितना मिला? 36 रुपए का। इंटरेस्ट कितना मिला? 36 रुपए का। तो देखो रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट बराबर हो जाएगा 36 रुपए का इंटरेस्ट। और किस पर इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। ठीक है, कंपाउंड भी प्रिंसिपल पर ही लगता है, लेकिन हर साल उसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट कितना है? 36%। कितना है? 36%। कितना है, सॉरी रेट कितना है निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है? 36। इंटरेस्ट कितना है? 36। 36 किस पर? 1200 पर। कितना परसेंट हो गया? 3%। रेट जो है 3% है। ये 3% कम है, ये 3% कब है? जब टाइम कितना है? 3 मंथ। ये 3% कब है? जब टाइम कितना है? 3 मंथ। उसने पूछा हमें रेट, हमें तिमाही नहीं बतानी, रेट बतानी है पर ईयर। तो एक चीज़ बताओ, इसको अगर हमें 12 महीने बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 400 गुणा करनी पड़ेगी भाई। इसको हमें पूरा 1 साल बनाना है, कितने महीने? 3 महीने। हमें इसको 1 साल बनाना है तो 400 गुणा करनी पड़ेगी, तो 400 गुणा करनी पड़ेगी ना इसको, तो रेट को भी 400 गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? 3 गुणा 4 कितना हो गया? ये हो गया 12%। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी रेट पर ईयर कितनी थी? 12%। क्यों? क्योंकि ये तिमाही इसलिए आई है क्योंकि टाइम कितना? 3 मंथ। ये 3600 रुपये जो इंटरेस्ट है वो कितने महीने का है? वो 3 महीने का इंटरेस्ट है। तो रेट भी तो तिमाही आएगी, रेट तिमाही आएगी, लेकिन उसने पूछी पर ईयर की रेट, तो रेट को 400 गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो? 12%। या इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि 3600 रुपये इंटरेस्ट किस पर? 1200 पर। रेट उसने पूछी है, टाइम कितना है? 3 महीने। इस 3 महीने को हमें किस में कन्वर्ट करना है? साल में, तो 12 से भाग करनी पड़ेगी इसको। भाई 3/12 लिखेंगे तो 12 तो यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसको उस तरह तो 12 से 12 कटेगा और 100 से 100 कटेगा। ठीक है, तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, तो रेट कितनी आ गई? रेट तो 12% आई। तो बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, वह तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6.25%, यानी 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो इस सौदे में उसका लाभ, यानी कि कम पर लिया और ज़्यादा पर दिया, तो उसका तो फायदा ही होगा। तो कितना फायदा होगा उसे? देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, उसने कहा है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए 4% की दर से। ठीक है, यानी उसने कितने उधार लिए? उसने जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 5000 था। रेट कितनी थी? 4% थी। टाइम 2 वर्ष था। उसने इन्हीं रुपयों को दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना। बस क्या करा उसने? रेट को चेंज कर दिया। रेट को बढ़ा दिया उसने। यही 5000 रुपये दूसरे व्यक्ति से उधार लिए और यही 5000 रुपये दूसरे व्यक्ति को उसने उधार दे दिए। जिससे उधार लिए उसे देना 4%, जिसे उधार दिए उसे उससे लेना 6.25%। तो उसमें तो उसका फायदा ही होगा। तो कितना फायदा होगा? टाइम दोनों जगह इक्वल है, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए दिए, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए दिए। जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो इस रेट की वजह से क्रिएट होगा। जो इंटरेस्ट में, जो सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो इस रेट की वजह से क्रिएट होगा। तो रेट में कितने का डिफरेंस है? 2.25%। ठीक
ठीक है ना भाई, चार में से, छः से एक बटा चार में से अगर चार को माइनस करोगे तो 2.25% बचेगा, या इसको सिंपली मान लो छः था ये, छः में से चार माइनस करोगे 2 बचेगा और 1/4 है तो ठीक है ना। तो यहाँ R1 मान लें, उसको R2 मान लें, तो R1 - R2 कितना होगा? क्यों? क्योंकि यही जो रेट है यही डिफरेंस क्रिएट करेगा इंटरेस्ट में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 से ही 1/2, यानी कितना हो जाएगा 2 से 1/4, 1/4, यानी कि 4 दुनी 8 और 9/4%, ठीक है ना। तो ये तो 1 साल का डिफरेंस है, उसने पूछा है 2 साल, उसने क्या पूछा है 2 साल, ठीक है ना, उसने यही तो कहा है। आई तो डिफरेंस 1 साल का है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 2 साल, हर साल 9/4% का डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, पहले साल भी 9/4 का डिफरेंस क्रिएट होगा, दूसरे साल भी 9/4 का डिफरेंस क्रिएट होगा, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें यहाँ से, जो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है ना भाई, इसको अगर हम कंबाइंड आर मान सकते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है? 9/4, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 दुनी 4, यानी कितना जाएगा? 9/2%, 9/2%, यानी कि उस व्यक्ति को 9/2%, यानी कि 4.5% का फायदा हो जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति ने जो 5,000 रुपये लेकर 4% की दर से जो उधार लिए थे, और वो 6.25% की दर से उधार देता है, तो उसे 9/2% का क्या होगा? फायदा हो जाएगा। 9/2% का क्या होगा? फायदा हो जाएगा। 5,000 और 9/2% होता कितना है? बस ये निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से कटेगा 25 बार, 25 × 225, यानी कि उसे 225 रुपये का फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अच्छा, 7,300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हैं, यानी 11 मई को भी इंक्लूड करना है और 10 सितंबर को भी इंक्लूड करना है, का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन में, उसने कहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है, 7,300 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 7,300 रुपये। जो रेट है वो है हमारे पास 5%, और टाइम हमें निकालना पड़ेगा। उसने कहा है कहाँ से? 11 सितंबर से लेकर, 11 मई से लेकर 10 सितंबर तक, और दोनों दिन की है, तो ठीक है ना। देखो कौन कौन से महीने पड़ेंगे इसमें? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मई 11 मई से आगे, ठीक है ना, और 11 मई को भी जब इंक्लूड करना है तो 11 कितने हो जाएंगे यहाँ से? दिन हो जाएंगे 21, क्यों? 31 में से 10 माइनस करोगे 21 बचेगा, ठीक है ना, 21 दिन ही हो गए। मई 31 का महीना होता है, जून कितना होता है? 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, और सितंबर की 10 तारीख। उसने कहा है ना दोनों दिन इंक्लूड है, ठीक है, दोनों दिन को इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी 11 मई को भी और 10 सितंबर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 30, 30 60, 30 90, 90 और 30 120, 1 2 3, यानी 123 दिन, यानी कि टाइम दे रखा है उसने 123 दिन, कोई दिक्कत। और पूछा क्या उसने? इंटरेस्ट पूछा है ना, हाँ ब्याज पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा, चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालो, चाहे R×T% निकालो, बात वही है। तो कितना होगा? ये होता है P×R×T/100, चाहे तो ये लगा लो चाहे R×T लगा दो, बात वही बढ़ेगी, ठीक है, एक ही चीज़ दोनों। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी कितना हमारे पास? 7,300। रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 123 दिन, ठीक है ना। अब देखो उसने यहाँ दे रखा है पर एनम, और ये दे रखे हैं दिन, तो इन दिन को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दिनों को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इस दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे
365 से क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साल में जनरली 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। जब वो जब तक लीप बर्स नहीं बोले, जब लीप बर्स बोलेगा तब 365 लेके चलेंगे, ठीक है ना। और उसने कुछ नहीं बोल रखा कुछ समय, तो 365 लेके चलना है। तो यहाँ आएगा 365, क्यों? क्योंकि हमने इस 123 को, 123 दिन थे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया वन ईयर में, ठीक है ना। ठीक, एक साल में कन्वर्ट कर दिया इसको इन 200, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, तो 73 से कट गए 5 बार और 5 से कट गए 5, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 123, यानी 123 रुपये का ब्याज मिलेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी जो दिन आए वही ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था कितना 18, बात करते हैं 19 की। 19 क्या है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है, अच्छा, इससे वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक, 3,350 को 4% की दर से निवेश करता है, और शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसे 500 रुपये की आय हो जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो कुछ नहीं करना, तीन टुकड़े करने हैं किसके, 10,000 के। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है क्या कि 10,000 रुपये थे, उसने किस्त उधार दिए, एक को 4,000 दिए, एक को 3,500 दिए, तो बचे कितने 2,500, तीसरे को 2,500 दिए। यहाँ जो इंटरेस्ट मिला उसने एक साल की बात करी है, यहाँ जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 5%, यहाँ जो इंटरेस्ट मिला वो मिला कितना परसेंट, 4%, और यहाँ पूछा है कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। उसने एक साल की बात करी है, तो 4,000 रुपये पर एक साल का इंटरेस्ट 5% दर से कितना होगा भाई, 4,000 का 5%, बहुत ही आसान, 200 रुपये, यानी यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला 200 रुपये, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा कितना 140 रुपये। देखो 3,500 पर 4% की दर से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 140 रुपये, यहाँ से 200 मिला, यहाँ से 140 मिला, और तीसरे से पता नहीं कितना मिला, और कुल मिलाकर कितना मिला उसे 500। ये तो बोला उसे कि वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए उसकी 500 रुपये, 200 ये, 140 ये, और हमें करना है 500, तो ये कितना करना पड़ेगा 60 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। यहाँ कितना मिला 200, यहाँ कितना मिला 140, और टोटल करना है 500, तो 160 करना पड़ेगा। वरना एक काम करो, इन दोनों के साथ जोड़ो, इसको एक्स रखो, देखो वैसे कर सकते हो इसको, देखो 200, अगर किसी को दिक्कत हो तो 200 प्लस 140 प्लस एक्स बराबर 500, तो कितना हो गया, ये हो गया 340 प्लस एक्स बराबर 500, तो एक्स बराबर कितना हो गया 500 माइनस का 340 बराबर 160, ठीक है। तो 160 रुपये जो यहाँ ब्याज मिला है वो मिला किस पर है, 2,500 पर, तो रेट कितनी है, तो रेट कितनी होगी 160 रुपये ब्याज किस पर, 2,500 पर इन 200, 2,0 से 2,0 कट गए, 5 से काटो, 5×5=25, 5×3=15 और 5×2=10, ठीक है। तो 5 से काटो, 5×6=30 और 5×4=20, यानी 6.4% रेट थी यहाँ, यहाँ जो रेट थी वो 6.4% थी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये था क्वेश्चन नंबर 19, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कहा है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं आपस में बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन, उसने कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, देखो सिंपल इंटरेस्ट किसका, प्रिंसिपल का 25/16, ठीक है।
तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल की बात करें तो वो जाता है 25/16, यानी 16 रुपये क्या है प्रिंसिपल और 25 रुपये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। 16 रुपये क्या है प्रिंसिपल और 25 रुपये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। और रेट टाइम आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर है। बस संख्यात्मक रूप का मतलब है अगर ये 10% है तो ये 10 वर्ष है, अगर ये 5% है तो ये 5 वर्ष है, यानी संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है। यानी कि दोनों अगर टाइम पूछा होगा तो आर को भी टी मान लेंगे, टी तो है ही टी, और रेट पूछी होगी तो आर तो है ही आर, टी को भी आर मान लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25, प्रिंसिपल कितना है 16, उसने पूछा रेट तो रेट तो है ही रेट, टाइम को भी रेट मान लेंगे, ठीक है ना बटे, ठीक है तो काटो उसको, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 25 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 25 × 25/4 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है तो आर बराबर कितना हो गया 25/2 यानी कि 12.5%, कितना हो गया ये हो गया 12.5%, ठीक है ना। इसको हर क्वेश्चन नंबर कितना 21 अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की, उसने कहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुने हो जाती है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। स्वयं की 7/6 गुना होने का मतलब है कि 6 क्या है उसका प्रिंसिपल और 7 क्या है अमाउंट, यानी 6 की राशि 7 हो गई, ठीक है ना। 6 की राशि कितनी हो गई 7 हो गई, क्या हो जाती है यानी कि राशि क्या हो जाती है, राशि हो जाती है स्वयं की 7/6 गुना, ठीक है ना, स्वयं की यानी प्रिंसिपल की 7/6 गुना हो जाती है। तो मैंने ही बताया कि जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना हो गया 6 राशि कितनी हो गई 7 हो गई, तो इंटरेस्ट कितना हो गया उस पर 1 का इंटरेस्ट हो गया ना भाई, हमने दिए 6 रुपये मिले 7 रुपये, तो इंटरेस्ट क्या मिला 1 का इंटरेस्ट मिला, 1 का इंटरेस्ट मिला किस पर 6 पर, कितने साल में 3 सालों में, 3 जो बोला उसने 3 सालों में उसने रेट पूछा, बस यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 2 × 3 = 6 और 2 से कटेगा 50 बार, 50 इधर आएगा 9/2 में आ जाएगा, तो 50/9 बराबर 1, ठीक है। तो कितना हो गया 5/9% बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 21, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कहा है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/4 है, इसका मतलब इंटरेस्ट है 1 का और प्रिंसिपल कितना है 4, ठीक है। उस तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो मैं करवाता हूँ, उसने ये नहीं बोला कि राशि 1/4 हो जाती है, ठीक है ना, 1/4 तो हो ही नहीं सकती, बढ़ेगी और होने की बात करेगा, तो उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज उसने क्या बोला है, ब्याज जो है वो किसका प्रिंसिपल का 1/4 है, ये तो बोला है उसने कि साधारण ब्याज उस राशि का, उस राशि मतलब जो अमाउंट था हमारे पास, जो प्रिंसिपल था हमारे पास, जो ब्याज है प्रिंसिपल का 1/4 है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 4 और ब्याज कितना है 1 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज 1 का प्रिंसिपल 4, उसने क्या बोला है आगे टाइम है 5 वर्ष और पूछा है क्या उसने रेट, जो 20 × 5 = 100 तो रेट कितना हो गया 5%, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है, साधारण ब्याज राशि का 9/25 गुना, यानी प्रिंसिपल 25 सिंपल इंटरेस्ट 9, लगा दो फार्मूला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 गुना है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक रूप
वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? ठीक है, तो साधारण ब्याज उस राशि का 1/6 गुना, यानी ब्याज कितना 1 का, राशि कितनी 6 की, ठीक है ना? तो कर देता हूँ, वैसे आसान ही है। उसने बोला है जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्वेश्चन नंबर चौबीस, उसने बोला है जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास वो प्रिंसिपल का 1/6 गुना है। इसका मतलब प्रिंसिपल 6 और इंटरेस्ट 1 का, 1 का इंटरेस्ट किस पर 6 पर, और रेट और टाइम क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, तो अब संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो ये रूट 6 तो बाहर आ नहीं सकता, 6 तो बाहर आ नहीं सकता रूट से, तो ये यहाँ पे 6 नहीं होगा फिर, ठीक है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर तो बाहर आ रहा है, 100 तो 100 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एक काम करना, इसको क्वेश्चन को चेंज कर लेना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऑप्शन भी रूट में नहीं दे रखे हैं इसके। अगर हम इसी को लेके सॉल्व करें तो यहाँ से बनता है 100/6 = r². अगर हम इसी डेटा को लेकर सॉल्व करें तो ये बनता है ये, ठीक है ना? जब इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 10/√6% = r, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, और अगर हम इसका परिमेयकरण भी कर दें तभी हो जाएगा 10√6/6% = r, और अगर हम इसको काट दें 2 3 6 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5√6/3% = r। अगर इस डेटा को लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ये, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन उसने दे ही नहीं रखा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो कहाँ चेंज कर सकते हैं हम इसको? अगर हम मिसप्रिंट है क्वेश्चन तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर दे ही रखा है, हम इसको ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 16 रख दें क्या, यहाँ 16 कर देते हैं, ठीक है ना? यहाँ 16 कर देंगे, यहाँ 16 हो जाएगा। अगर हम 1/6 डेटा को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो आंसर आता है इसका, 1/6 को लेकर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है इसका, या तो ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कहाँ कर सकते हैं, तो परफेक्ट इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, चेंज कहाँ करेंगे हम, इसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने 1/6 को 1/16 करके देखा तो हुआ क्या इसका आंसर, देखो इसको इधर लेकर जाओ तो 100 और ये बटे में आ जाएगा 16/r², ठीक है? तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10/4 = r%, ठीक है? तो r बराबर हो गया 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, यानी 2.5%। देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, पे 24 का आंसर सी, ठीक है ना? तो 1/6 की जगह 1/16 कर लेना। 1/6 लेकर सॉल्व करोगे तो आंसर मैंने बताया कितना आएगा, यह आएगा 5√6/5√6/3, ये आंसर आएगा, ठीक है? और 1/16 लेकर सॉल्व करोगे तो आएगा 2.5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 24, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है? कहा है कि किसी राशि पर 6/25 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 गुना है, उस ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो समय है 6.25 वर्ष और ब्याज कितना है 3 का, और राशि कितनी है 8 की, और हमसे पूछा है रेट ज्ञात कीजिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 गुना है, यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है? तो 16 का ब्याज, प्रिंसिपल 25, ठीक है? और फिर इसको इस तरह से निकालते चले जाएंगे, ठीक कर देता हूँ, चलो ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 25/16 है, 16/25, यानी 25 का क्या है प्रिंसिपल और 16 क्या है इंटरेस्ट, तो 16 का इंटरेस्ट किस पर, 25 पर, किस पर, 25 पर, ठीक है ना? इंटू r² / क्या, 100,
ठीक है, तो 25 चौका 100, 16 चौका 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो गया 8%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर है। तो सेम क्वेश्चन है, 1 का ब्याज 9 पर। ठीक है, निकाल देंगे आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 28 की, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है। ठीक है, 28 की बात करते हैं, तो 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, नहीं 2.5 रुपये है, तो उसकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। तो इससे तो आसान, इससे तो आसान का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सॉल्व करना है, इसको डिटेल में सॉल्व करने जाएंगे तब भी आर वन माइनस आर टू ही बनेगा। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, उसने 500 रुपये को 2 अलग अलग जगह उधार दिया। ठीक है ना, पहली जगह उधार दिया 500 रुपये किसकी दर पर, आर वन पर, और समय कितना है 2 वर्ष/100। पहली जगह इंटरेस्ट इतना मिला, दूसरी जगह फिर से उधार दिए उसने 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये उधार दिए, रेट थी अलग, टाइम था 2 वर्ष। ठीक है ना, और इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है 2.50। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो देखो 2.50 बराबर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ऊपर से 502, और नीचे से कॉमन आ रहा है यहाँ पे 100। ठीक है, तो अंदर बचेगा आर वन माइनस का आर टू। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कट गए, 5 से काटेंगे 0.5 बार कटेगा। ठीक है, और 0.5 को जब 2 से काटेंगे, 0.5 को जब कटेंगे तो कितने कटेगा 0.25 बराबर आर वन माइनस आर टू। तो रेट का जो डिफरेंस है वो इतना है, इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल करते क्या कि देखो, सिंपल करते क्या, करना क्या था, देखो करना ये था कि ये जो इंटरेस्ट है 2.5 का जो डिफरेंस, 2.50 का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है ना, और जबकि ये और ये दोनों क्या हैं, समान है, प्रिंसिपल समान है और टाइम समान है। ठीक है ना, तो इसको 1 साल पर ले आओ, अगर 2 साल के ब्याज का डिफरेंस 2.5 रुपये है तो 1 साल के ब्याज का डिफरेंस कितना होगा, इसको बहुत छोटा कर सकते हैं। अगर 2 साल के ब्याज का डिफरेंस 2.5 रुपये है तो 1 साल के ब्याज का डिफरेंस होगा 1.25 रुपये, यानी 1.25 रुपये का डिफरेंस है 1 साल के ब्याज का। और डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा होगा वो रेट ही कर रहा होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो रेट का ही डिफरेंस आएगा। तो 1.25 रुपये का क्या है हमारे पास, डिफरेंस है। ठीक है, और ये किस पर मिला है, 500 पर इंटू 100। तो देखो इससे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएंगे 2 जीरो, इससे कट गया। ठीक है ना, घटाओ मैं 2 जीरो, यहीं रहने दो। ठीक है, दोबारा देखो, देखो कट गया काटो से, 5 × 10 और 5 × 25 कितना आया, आर वन माइनस आर टू बराबर 2.5%। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको ऐसे ही कर सकते थे, बहुत चलते। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर कितना 28। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 है क्या कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसे वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को उधार दे दी। तदनुसार 12 वर्षों बाद उसे 960 का लाभ मिला, तो मूल राशि कितनी थी। तो देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, कहा है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि उधार ली 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। हमें नहीं पता प्रिंसिपल उसने कुछ उधार लिया, किसने, प्रभात ने,
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना 29। ठीक है, कुछ राशि उसने उधार ली, पता नहीं कितना लिया, और रेट कितना है हमारे पास 8%। ठीक है, और उसने यही राशि किसको उधार दे दी, आशीष को दे दी, और उससे जो ब्याज रेट लिया वो लिया 12%। और जो टाइम है हमारे पास वो दोनों ही केस में 12 है। बराबर से अब एक चीज बताओ कि अगर यहाँ से प्रभात ने भी वही अमाउंट लिया और आशीष ने वही अमाउंट लिया, ठीक है ना, प्रभात ने ये अमाउंट इधर ट्रांसफर कर दिया उसके पास, इसने यहाँ ब्याज दिया 8% का, इसने यहाँ ब्याज दिया 12% का, इसका भी समय 12 वर्ष है, इसका भी समय 12 वर्ष है, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कहाँ से होगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ये कर रहा होगा, अगर यहाँ भी रेट सेम होता, यहाँ भी रेट सेम होता तो ये डिफरेंस क्रिएट होता ही नहीं, ठीक है ना। डिफरेंस क्रिएट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ रेट कितनी है 8%, यहाँ रेट कितनी है 12%, तो ठीक है ना, तो रेट का डिफरेंस कितना है 4% का, और यही रेट का डिफरेंस 4% का, हर वर्ष 4% का डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, कब तक 12 वर्ष तक, हर वर्ष 4% का डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, कब तक 12 वर्ष तक, क्यों, क्योंकि ये तो 12 वर्ष की बात कर रहा है ना, तो डिफरेंस क्रिएट होगा कितना, एक साल में 4%, ठीक है ना, तो 4 साल 12 साल में कितना हो गया 48%। यानी कि प्रभात 48% का लाभ कमा चुका होगा 12 वर्षों में, और यही जो लाभ है 48% का, यही तो 960 दे रखा है, ठीक है ना, इसने 8% ब्याज दिया, इसने 12% ब्याज दिया, ठीक है ना, प्रभात आशीष से हर साल 4% की दर से अधिक ब्याज ले रहा है, और 12 साल में कितना ले लेगा, एक साल में 4%, 12 साल में 48%, और यही तो उसका प्रॉफिट है, 48% की वैल्यू 960 और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल तो होता है 100%, तो 960/48 × 100, तो 48 × 96 यानी कि कितना 2000 रुपये, यानी कि प्रभात ने 2000 रुपये लेकर आशीष को 2000 रुपये दे दिए, उसने रेट दिया 8% की दर से, उसने दिया 12% की दर से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्वेश्चन नंबर 29, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या है कि दो बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई, ब्याज का अंतर 56 था, तो ली गई राशियाँ थी, देखो क्वेश्चन नंबर 30, दो अमाउंट थे और दोनों के आपस में बराबर हैं, उसने खुद बोला है, दो अमाउंट थे, दोनों क्या हैं आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, यहाँ टाइम कितना है हमारे पास 2 वर्ष, और यहाँ टाइम कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, और रेट दोनों ही जगह यहाँ भी 8% है और यहाँ भी 8% है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा 8×16% मिलेगा, और यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा 8×24% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो इस तरह से डिफरेंस को देख लो, या फिर एक चीज़ देखो कि इसने 2 साल तक ब्याज दिया है, इसने 2 साल तक ब्याज दिया है, इसकी रेट 8% है, इसने 3 साल तक ब्याज दिया है, इसकी रेट 8% है, अगर ये भी 2 साल तक ब्याज देता, अगर इस राशि पर भी 2 साल ब्याज जाता तो दोनों से ब्याज ही बराबर होता, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर है, ठीक है ना, इसका मतलब इसने 1 साल ज़्यादा ब्याज दिया है और 1 साल की रेट कितनी 8%, तो यहाँ से डिफरेंस देखो डायरेक्ट 8% बन रहा, नहीं बन रहा, हम डायरेक्ट देख सकते, तो डिफरेंस कैसे, इसने 2 साल ब्याज दिया, इस राशि पर 2 साल ब्याज गया, अगर इस राशि पर भी 2 साल ब्याज जाता तो ब्याज भी बराबर होता, ठीक है ना, ब्याज ज़्यादा गया, कितना ज़्यादा गया 8% ज़्यादा गया, क्यों, क्योंकि उसने 1 साल ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, और यही 8% की वैल्यू कितनी रखी है उसने, यही 8% की वैल्यू रखी उसने 56, और हमसे पूछा प्रिंसिपल यानी 100%, 56/8×100, तो 8×56 कितना हो गया 700 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसने 700 रुपये, दो राशियाँ जो थी वो कितनी थी 700 रुपये थी, यानी कि इसने भी 700 रुपये, इसने भी 700 रुपये, ठीक है, तो बस आज की वीडियो में ही इतना, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो।